प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं मानसी गुलाटी। आशा करती हूँ आप लोग निरोग हैं, स्वस्थ हैं और नियमित रूप से मेरे साथ योग कर रहे हैं। तीसरा अध्याय, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे, आंखों को बंद रखेंगे, मन को शांत रखेंगे। ओम का उच्चारण करेंगे, इनहेल, तो आज तीसरा दिन है तो हम थोड़े ज़्यादा इसमें आसन करेंगे। आसन करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हमारी मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे सेतु बंद आसन के साथ में। मैट पे अच्छे से लेट जाइए, बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए, bend your legs, stretch. Relax. अब इसको हम movements के साथ में करेंगे। लेट जाइए, रिलैक्स। तब हम करेंगे पश्चिमोत्तान आसना, देखिए किस तरह से करना है। इनहेल, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, एक्सहेल। मसल्स पूरी तरह रिलैक्स हो जाते हैं इस आसन के बाद में। जो लोग पूरा स्ट्रेच नहीं कर पाते हैं वो बेंड कर सकते हैं थोड़ा। इनहेल, एक्सहेल, तो
तो यह आसन बहुत अच्छा रहेगा। हर आसन को 3 बार जरूर करिए, आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब हम करेंगे पूर्ण तितली आसन, ये भी बहुत अच्छा रहता है। अपने पांव के दोनों तलवों को जोड़ेंगे और स्ट्रेच करेंगे। अपनी कमर को सीधा रखिए, रिलैक्स। एक बार और करेंगे, रिलैक्स। तो चलिए दोस्तों, अब हम करेंगे ब्लो क्रिया। ब्लो क्रिया आपकी बॉडी को पूरी तरह डिटॉक्सिफाई करता है। सिंपल तरीका है, सुखासन में बैठ जाइए, वज्रासन में जिसमें आप कंफर्टेबल हो, हाथ को घुटने पे रखिए, सांस लीजिए, गति को बढ़ाइए, सफलता पूर्वक हुआ हमारा तीसरा अध्याय। मैं आशा करती हूँ आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अपने विचार सुझाव हमसे जरूर शेयर करें। साथ में 5 बजे के बाद ऑयली फूड, जंक फूड को अवॉइड करें। 5 बजे के बाद रिफाइंड शुगर और सॉल्ट को अवॉइड करें। पानी बहुत पीजिए, हर आधे घंटे के बाद आधा गिलास पानी पीजिए। अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। हम आपको कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।